नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता। हमने मेंडल के प्रथम नियम में पढ़ा था कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रभावी होते हैं और F1 पीढ़ी में हमें यही लक्षण दिखाई देते हैं, और इसके विपरीत किसी एक गुण के लिए ही कुछ लक्षण अप्रभावी होते हैं, यानी कि वो लक्षण हमें F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर बच्चों हमें यही समझना है कि कोई लक्षण प्रभावी क्यों है और दूसरा जो उसका लक्षण है वो अप्रभावी क्यों है। बच्चों एक बात हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जीन उपस्थित होते हैं। जीन्स वास्तव में वो इकाइयाँ होती हैं जो सजीवों की संरचना और कार्यकी की समस्त सूचना को निहित रखती हैं। जीन के अंदर ही सारी सूचनाएं होती हैं कि किसी भी सजीव का शारीरिक संगठन कैसा होगा या उसकी फिजियोलॉजी यानी उसकी जो सेल्स हैं उनके अंदर किस तरह से फंक्शन होगा। तो जीन और ये जो सेल्स के अंदर की कार्यकी है ये निर्भर करती है विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की क्रियाविधि पर। तो ये जो जीन है ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बनाते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपादित करते हैं और साथ ही साथ शरीर के लिए विभिन्न लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा शरीर कैसा होगा, यह किस तरह से कार्य करेगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारा रंग कैसा होगा, हमारी लंबाई कैसी होगी, ये सब कुछ सारी बातें जीन्स के ऊपर निर्भर करती हैं। क्लियर? और ये जो जीन है बच्चों वो द्विगुणित सजीवों में हमेशा युग्म में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे हमने मेंडल्स में देखा था जीन युग्म को, जैसे लंबाई के लिए अगर हम बात करें तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, या एक और जीन युग्म हमारे पास था स्मॉल टी। ठीक है, तो जीन युग्म हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, युग्म जीन हमेशा जोड़ों में या युग्म में पाए जाते हैं। अच्छा, और ये जो युग्म के दोनों पार्टनर हैं इसमें से एक फादर से और एक मदर से मिलता है, यानी कि एक पिता से और एक माता से प्राप्त होता है। और ये जो प्रत्येक सदस्य है इस जोड़े का ये कहलाता है जीन अलील या जीन युग्म विकल्पी। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि जीन युग्म विकल्पी या जीन एलील मिलकर जोड़े के अंदर रहते हैं और जीन का निर्माण करते हैं। ये जो बच्चों जीन एलील्स होते हैं ये वास्तव में होते क्या हैं इसको हमें समझना है। तो ये एक ही जीन के अलग अलग रूप होते हैं और इन रूपों में एक दूसरे से कुछ भिन्नता पाई जाती है, और इस भिन्नता के कारण ही हमें एक गुण के लिए अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। देखो इस पॉइंट को मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मटर के पौधे में लंबाई का जो जीन है टी है ना, इसके लिए हमें दो तरह के एलील मिल रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो क्या मतलब है कि इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता है और इस भिन्नता के कारण ही ये तो लंबेपन के लिए उत्तरदायी है और ये बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इस तरह से जीन जो है वो जीन एलील्स क्या है, वो वास्तव में जीन के अलग अलग रूप हैं जो एक दूसरे से थोड़ी सी भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इस जीन एलील्स के उदाहरण को मैं आपको एक बहुत अच्छे उदाहरण से जीन एलील्स को और समझाऊंगी। देखो हमारा जो मानव रक्त समूह है ABO, ये एक जीन आई से नियंत्रित होता है और इस जीन आई के तीन एलील्स पाए जाते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। ये तीन जीन एलील्स हैं जो जीन आई के जीन एलील्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि द्विगुणित मानव द्विगुणित है तो इन तीन में से कोई दो एलील्स ही एक इंडिविजुअल में या एक व्यक्ति में उपस्थित होंगे,
तो इस तरह से अगर हम मानव की बात करें तो हमारे शरीर में इस जीन एलील्स के कुल 6 कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। कौन कौन से, चलो वो एक बार मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, कॉम्बिनेशन नंबर 1, ये कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन नंबर 3, फिर कॉम्बिनेशन 4, 5 एंड 6। तो ये जो 3 एलील्स हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये इस तरह से 6 कॉम्बिनेशन बनाते हैं और हमारे शरीर में रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। ठीक इसी तरह से मटर के पौधे में लंबाई का नियंत्रण करने के लिए जीन के 2 एलील्स पाए जाते हैं, जो भी अपन पीछे डिस्कस करके आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जो जीन एलील्स हैं, ये 3 कॉम्बिनेशंस में पाए जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन कैपिटल टी, दूसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल टी। ठीक है, अब बच्चों ये यहाँ तक तो अपन ने क्या क्या चीजें सीख ली, क्या क्या चीजें पढ़ ली, उसको एक बार मैं बताती हूँ आपको। हमने पढ़ा कि जीन क्या है, फिर हमने देखा जीन हमेशा पेयर्स में रहते हैं, यानी कि युग्म में रहते हैं, और युग्म का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, जीन अलील या जीन युग्म विकल्पी कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मटर के एग्जाम्पल में क्या था कि एक जीन के 2 एलील्स ही प्रेजेंट थे, लेकिन ऐसे कई दूसरे उदाहरण हैं जहां पर एक जीन के 2 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स, एक से ज्यादा जीन के जो है रूप पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और मैं आपको रिमाइंड कराऊं, कोई भी जीन है वो काम कैसे करता है। तो जीन का होता है एक्सप्रेशन, वो हमारे शरीर में जाकर एक्सप्रेस होता है, और एक्सप्रेस होकर वो कोई ना कोई एंजाइम बनाता है, और ये जो एंजाइम है ये हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ये एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं, और उसके फलस्वरूप हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई मान लो हमें प्रोटीन मिलता है, और ये फिर शरीर के अंदर लक्षणों को प्रदर्शित करता है, और ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। हमें जीन्स तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जीन्स के कारण जो शरीर में क्रियाएं चल रही हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें लक्षण के रूप में शरीर के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से जीन हमारे शरीर में काम करता है। अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक और उदाहरण की मदद से ये समझाऊंगी कि हम किसी भी जीन को प्रभावी जीन क्यों कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो चलो देखो, एक मैं उदाहरण ले रही हूँ कि मान लो मेरे पास एक जीन है आर। ये जो आर जीन है, इसके 3 विभिन्न प्रकार के रूप, यानी कि ये क्या है, जीन के विभिन्न प्रकार के एलील्स। एक को मैं R1 लिख रही हूँ, एक को R2 और एक को मैं स्मॉल r से प्रदर्शित कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इस R जीन के भिन्न भिन्न रूप हैं। अब इनके तीनों रूपों की क्या विशेषता है वो देखो। ये जो R1 है, ये बिल्कुल सामान्य एलील है, सामान्य युग्म विकल्पी है, और ये एक सामान्य एंजाइम का निर्माण करेगा, सामान्य एंजाइम का निर्माण करेगा। ठीक है, और ये जो R2 है, ये एबनॉर्मल है, असामान्य है, और इससे जो एंजाइम बनेगा वो थोड़ा सा कम सक्रिय होगा, कम सक्रिय एंजाइम ये बनाएगा। ठीक है, और ये जो R है ये भी असामान्य है, और ये क्या करेगा, ये कोई
कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा, कोई एंजाइम नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये जो तीन अलग अलग रूप हैं इस आर जीन के, आर क्या है, एक जीन है, मैं उदाहरण के रूप में एक जीन लेकर चल रही हूं। अब इसके मैंने क्या बता दिया आपको, तीन अलग अलग एलील्स या युग्म विकल्पी हैं, आर वन, आर टू और आर। तो आर वन क्या करेगा, सामान्य एंजाइम बनाएगा, आर टू थोड़ा कम सक्रिय एंजाइम बनाएगा, लेकिन बनाएगा, लेकिन आर जो है ये कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, चलो आगे चलते। अब देखो, द्विगुणित कोई सजीव है तो उसमें जीन हमेशा युग्म में प्रेजेंट है। तो जीन के युग्म क्या क्या हो सकते हैं, मैं यहां लिखती हूं। पहला युग्म आर वन, आर वन ये कैसा है, होमोजाइगस, है ना, होमोजाइगस, यानी कि दोनों एलील्स समान हैं, दोनों एलील्स, एलील्स यानी कि युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी समान है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आर वन आर टू, ये क्या है, ये है हेटरोजाइगस कंडीशन, दोनों अलग अलग एलील्स हैं, यहां पर युग्म विकल्पी असमान है। तीसरी कंडीशन आर वन और स्मॉल आर, ये भी हेटरोजाइगस है, क्योंकि दोनों एलील्स कैसे हैं, समान नहीं है, असमान है। अगला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, आर टू और स्मॉल आर, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है आर टू, आर टू और एक कॉम्बिनेशन बन सकता है स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये टोटल 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जीन युग्म के, कि भाई हमारे पास जो ये तीन एलील्स हैं, तो ये तीन एलील्स कुल 6 तरह से आपस में संयोग करके किसी द्विगुणित सजीव में हो सकते हैं। अब देखो इनका प्रभाव क्या होगा, हम इन सब के प्रभाव की बात करेंगे। तो देखो इसके प्रभाव को मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ये कैपिटल आर, आर वन आर वन वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं अपन, इसका क्या प्रभाव होगा। हमें पता है आर वन कैसा एंजाइम बनाएगा, सामान्य एंजाइम बनाएगा। अब आर वन सामान्य एंजाइम बना रहा है, तो यहां पर जो लक्षण है वो बिल्कुल हमें सामान्य दिखाई देगा, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा। दूसरी कंडीशन आर वन आर टू, अपन को पता है कि भाई आर वन तो सामान्य एंजाइम बनाएगा, इसलिए यहां पर भी सामान्य एंजाइम हमें दिखाई देगा और ये हमें प्रभावी गुण लक्षण दिखाई देगा। तीसरा कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पर भी आर वन उपस्थित है, तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार ये भी हमें प्रभावी लक्षण दिखाएगा। अब आ जाते हैं चौथे कॉम्बिनेशन पे, चौथा कॉम्बिनेशन देखो, चौथे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, कम सक्रिय एंजाइम, एंजाइम तो बन रहा है लेकिन वो थोड़ा सा कम सक्रिय है। तो यहां पर क्या स्थिति होगी, यहां पर और यहां पर, यहां पर भी एंजाइम तो बनेगा लेकिन थोड़ा कम सक्रिय बनेगा, तो कम सक्रिय बन रहा है तो यानी कि प्रभाव हमें पूरा नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता का, कि भाई एंजाइम तो है यानी कि कुछ तो हमें उसका असर दिखाई देगा लक्षण का, लेकिन वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगा। तो ये दोनों उदाहरण हो गए अपूर्ण प्रभाविता के। अब देखो लास्ट सिक्स, सिक्स में कोई भी एंजाइम नहीं बन रहा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अप्रभावी, यहां पर उस जीन का जो भी लक्षण है वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया अप्रभावी। अब देखो मैं आपको यही जो मैंने एक उदाहरण है
इसको अपन है ना स्नैप ड्रैगन के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्नैप ड्रैगन को अपन पढ़कर आए हैं अपूर्ण प्रभाविता में, डॉग फ्लावर में, है ना, उसके एग्जाम्पल से अपन स्नैप ड्रैगन के एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। वहां पर हमने क्या किया था, पुष्प का रंग लिया था लाल और सफेद। इसके लिए हमारे पास में कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे हमने युग्मक बना दिए कैपिटल आर, यहाँ से युग्मक बना स्मॉल आर। अब जो हमें F1 जनरेशन मिली थी बच्चों, वहां पर क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन था और इसके सारे के सारे फूल गुलाबी रंग के थे। बस ये चीज मैं आपको यहां से समझाती हूँ। देखो ये जो कॉम्बिनेशन बना कैपिटल आर और स्मॉल आर का, यहाँ पर ये जो हमारा आर है वो आर किस कैटेगरी में आएगा, वो आर आएगा हमारा असामान्य, इस वाली कैटेगरी में, तो आर टू की कैटेगरी में आएगा। तो आर टू कैसा है, अपूर्ण प्रभावी। तो यहां पर हमें लाल रंग की बजाय गुलाबी रंग दिखाई दिया, क्लियर। तो ये देखो यहां पर आपको पूरी तरह से प्रभाविता का जो कंसेप्ट है कि कोई भी जीन प्रभावी कब होगा वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको वापस यहीं पर इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझाती हूँ, एक बार रिवाइज करवाती हूँ ताकि आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलो, ठीक है। कोई भी जीन प्रभावी तब होता है जब वो सामान्य एंजाइम बनाता है, ठीक है। और सामान्य एंजाइम बनाने के लिए अगर जीन युग्म में एक भी जीन ऐसा उपस्थित है तो वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर देगा। तो ये जो हमारे पास तीन जीन युग्म थे, इसमें तीनों में R1 यानी कि हमारा सामान्य एंजाइम वाला जीन विकल्पी उपस्थित था, इसलिए ये प्रभावी लक्षण को दिखा रहा था। अब कुछ जीन एलील ऐसे होते हैं जो कम सक्रिय एंजाइम को बनाते हैं, तो उस स्थिति में लक्षण हमें दिखाई तो देता है लेकिन वो पूरी तरह से प्रभावित नहीं होता। इसी कारण हमें स्नैपड्रैगन में गुलाबी रंग के फूल दिखाई दिए। अप्रभावी, जब हमारे पास में कोई ऐसा जीन एलील आ जाता है जो एंजाइम का उत्पादन कर ही नहीं रहा, यानी कि वो बिल्कुल भी सक्रिय जीन नहीं है, तो हमें लक्षण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते और वो अप्रभाविता को प्रदर्शित करता है, क्लियर। तो इस तरह से हम जीन की प्रभाविता के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब मैं आपको यही चीज एक बार मेंडल्स से समझाती हूँ कि मेंडल को अपूर्ण प्रभाविता क्यों दिखाई नहीं दी। मेंडल ने अपना प्रभाविता का नियम इसीलिए सफलतापूर्वक दे दिया क्योंकि मेंडल का जो मटर का पौधा था उसमें लंबाई के लिए जो जीन था उस जीन के केवल दो एलील्स ही पाए जाते हैं। दो एलील्स पाए जाते हैं यानी कि या तो मटर का पौधा लंबा होगा या मटर का पौधा बौना होगा, क्लियर। तीसरा कोई भी जीन एलील उपस्थित नहीं है। तो दो कंडीशन ही हो सकती हैं। पहली कंडीशन, यहां पर पौधा लंबा होगा। दूसरी कंडीशन, यहां पर पौधा बौना होगा। और तीसरी कंडीशन, यहां पर भी पौधा लंबा होगा। क्योंकि ये जो हमारा टी जीन एलील है ये डोमिनेंट है ना, ये पूर्ण रूप से प्रभावी है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि हमारे जो मटर के पौधे हैं, मटर के पौधे में कम सक्रिय जीन एलील, कम सक्रिय जीन एलील उपस्थित नहीं है, उपस्थित
नहीं है, अतः अपूर्ण प्रभाविता दिखाई नहीं देती। ठीक है, या तो कोई गुण है वो प्रभावी होगा या कोई गुण होगा जो अप्रभावी होगा, लेकिन उनके बीच की स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इस वीडियो लेसन से मैं आशा करती हूँ आपको प्रभाविता का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेंडल को अपूर्ण प्रभाविता क्यों दिखाई नहीं दी ये भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन।